हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज़ की शुरुआत हम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग की बहुत ही बेहतरीन ये बुक है जिसका नाम है आर के झा, आर्यन पब्लिकेशन की बुक आती है दोस्तों। और इस बुक में संकलन है उन सवालों का जो पिछली परीक्षाओं में अलग अलग टॉपिक से आए हुए हैं। तो हम ये सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं जिसमें पूरी की पूरी बुक का हम यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे आपको। लेकिन बुक पर जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, ये तो केवल प्रैक्टिस के तौर पर हम आपको ये क्लासेस देंगे। अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग के कंसेप्ट और प्रैक्टिस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ये सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 699 रुपये में मैथ और रीजनिंग आपको कंप्लीट मिलेगा विद प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और 25 मॉक टेस्ट की सीरीज। जैसे ही आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगी। टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको यहां पे मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक साल की वैलिडिटी यहां पे इस कोर्स में आपको मिलती है। यानी ये बैच केवल आपको सीआईएसएफ के लिए नहीं, आने वाले आपके एसएसबी हेड कांस्टेबल, या आपने बीएसएफ का फॉर्म भर रखा है, या आपने सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का, या इस लेवल का कोई और फॉर्म भी भर रखा है, तो सभी के लिए सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, तो अब आते हैं इस बुक पर। तो दोस्तों, ये बुक आप सभी जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन बुक है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। तो आज से हम इस बुक के सॉल्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल प्यार से आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल प्यार से आपको इस क्लास को देखना है दोस्तों। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक पकड़ा है वो है जी लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का सार्थक क्रम। इस टॉपिक से चाहे एसएससी का या डिफेंस का कोई भी पेपर आप ले लीजिए, कम से कम एक या दो सवाल आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसमें होता क्या है कि कुछ शब्द दिए जाते हैं और उनका आपको क्रम बताना होता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम या सार्थक क्रम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि भाई कौन सी प्रक्रिया पहले होगी। तो हम डायरेक्ट सवाल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम कंसेप्चुअल इन चीज़ों को समझते हुए आराम से बिना किसी दिक्कत के सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सवाल को पहले ध्यान से पढ़े। कह रहा कि दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए चार शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। और यह सवाल एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ है। शब्द क्या है? पौधा, बीज, फूल और अंकुरण। अब यहां पे सार्थक क्रम आपको दर्शाना है। तो देखिए दोस्तों, पौधा, बीज और फूल, अंकुरण, इसमें सही क्रम क्या होगा? तो क्या डायरेक्ट हम पौधा रोप देते हैं जमीन में? नहीं, पहले हम क्या डालते हैं? कोई बीज डालते हैं। लेकिन यहां पे बीज क्या है? लास्ट प्रोजेक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होगा? पौधा जो है फलने से पहले, फूलने से पहले अंकुरित होता है। तो पहले यहां पे क्या होगा दोस्तों? पहले सवाल का जो आंसर आएगा, यानी कर्म जो होगा, नंबर चार सबसे पहले आएगा। पहले पौधे का क्या होगा? अंकुरण होगा। फिर अंकुरित होने के बाद वो पौधा बनेगा, यानी पौधे का मतलब क्या है? नंबर एक पौधा बनेगा। जब पौधा बनेगा तो उस पर क्या आएंगे दोस्तों? फूल आएंगे। ठीक है, और फूल के बाद आपको क्या मिलेगा दोस्तों? बीज मिलेगा। यानी पहले सवाल का जो सही क्रम बनेगा आपका, बनेगा 4 1 3 2, यानी सबसे पहले चार आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे आप लॉजिकल चीजों को देखिए। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर जी पहले बीज आएगा, बीज के बाद अंकुरित होगा ना, डायरेक्ट पौधा तो नहीं बनेगा, पहले बीज आएगा। तो बीज का मतलब नंबर दो सबसे पहले आना चाहिए। नंबर दो सबसे पहले दिया हुआ है ऑप्शन नंबर तीन में। अब देखिए, तीन में दो के बाद क्या है? तीन, यानी बीज के बाद सीधा फूल बना दिया गया, तो ये तो क्रम बनेगा नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 1 3 2। पहले अंकुरित होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर फूल और फिर आपका बीज बनेगा दोस्तों। क्लियर है? अगर आप बी ऑप्शन को देखते हैं तो यहां पे अंकुरण, अंकुरण के बाद सीधा बीज बनाया गया है। अंकुरण के बाद तो पौधा बनता है, बीज थोड़ी बनता है। तो लॉजिकल, लॉजिक के साथ आपको सवाल को सोल्व करना है, यही इस टॉपिक का मकसद है। और एग्जाम में आपको ये बिल्कुल आसानी से दो नंबर या एक नंबर तो डेफिनेटली आपको देकर जाएगा दोस्तों ये टॉपिक। अगला सवाल देखिए,
कह रहा है कि बुनाई, रुई, कपड़ा और धागा, सही क्रम आपको बताना है। तो आप पहले लॉजिकल देखिए, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, रुई आएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, सवाल नंबर दो की बात करें तो यहां पे सबसे पहले क्या आएगा, रुई। तो रुई कौन से पे दी गई है दोस्तों, नंबर दो में। अब रुई से क्या बनेगा दोस्तों, धागा बनता है। तो नंबर चार, रुई के बाद क्या बनता है दोस्तों, रुई से धागे बनते हैं, ठीक है। और लेकिन धागा फिर उसकी क्या होगी दोस्तों, बुनाई होगी, समझ गए। पहले रुई होगी, रुई से क्या बनता है, धागा छोटे छोटे, और धागे से क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। बुनाई का मतलब है नंबर एक, और जब बुनाई की जाएगी तो उसके बाद निकल के आएगा आपका कपड़ा। दो चार एक तीन, तो दो चार एक तीन ऑप्शन नंबर एक में दिए गए हैं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या होगा, रुई। अब ऑप्शन नंबर बी में भी सेम सा लग रहा है, दो चार तीन एक दिया हुआ है। तो दो का मतलब क्या है दोस्तों, रुई, चार का मतलब धागा, तीन का मतलब कपड़ा, और कपड़े के बाद बुनाई थोड़ी करते हैं, पहले बुनाई करेंगे। स्वेटर बुनता देखा है ना आपने घर में, पुराने जमाने में क्या होता था, ऊन की स्वेटर बनवाई जाती थी। तो उसमें स्वेटर, तो जो स्वेटर है वो तो लास्ट प्रोडक्ट है ना, कपड़ा है वो तो लास्ट प्रोडक्ट है, समझ रहे हो। तो प्रोडक्ट तो लास्ट में आएगा ना कपड़ा, तो बस इसी लॉजिक से आप सोल्व कर सकते हो कि नंबर तीन है वो सबसे लास्ट में आएगा। अब ऑप्शन ए और सी में दिया गया है, लेकिन आप एलिमिनेट करेंगे तो चार नंबर धागा सबसे पहले नहीं आएगा, सबसे पहले क्या आएगी, रुई आएगी। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किसान, बीज, भोजन और खेती। किसान, बीज, भोजन और खेती दोस्तों, तो कैसे, क्या डायरेक्ट, अब आप इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे, इस सवाल को हम ऑप्शन से करेंगे, मुझे नहीं पता कुछ भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक में देखिए भाई, किसान दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, कोई किसान होगा तभी तो खेती होगी। किसान क्या लेके आएगा, पहले बीज आए लेके आएगा, किसान मार्केट से दुकान से बीज लेके आएगा। बीज के बाद क्या करेगा, उसकी जुताई करेगा खेत में, बिल्कुल सही क्रम दिया हुआ है। और जब जुताई करने के बाद फसल तैयार होती है, उसके बाद आपको क्या मिलता है दोस्तों, भोजन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है आपका किसान, बीज, यानी एक दो चार तीन, एक दो चार तीन इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर चार पे आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर चार आपको ये रहा जी आपका सवाल, बताइए जरा। कह रहा कि संध्या प्रकाश, उषाकाल, दोपहर और रात्रि, इसमें आपको क्रम बताना है कि सही क्रम क्या हो सकता है इन चीजों का। तो आप ये सारी चीजें आपके आसपास बिलोंग करती हैं, सारी चीजें आपके आसपास रहती हैं दोस्तों। संध्या प्रकाश यानी शाम का टाइम, रात्रि और सांझ, और दोपहर, है ना, ये क्रम तो आपको सही नजर आ गया। आप ऑप्शन का नजरा लीजिए, ऑप्शन में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपको कंफ्यूज किया गया है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते, इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो सबसे पहले जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, उषाकाल। उषा क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है सुबह का टाइम, 6 से 9 बजे का टाइम, और 9 से 12 का जो टाइम होता है उसको बोला जाता है उषाकाल, ठीक है दोस्तों। तो नंबर दो है वो सबसे पहले आएगा, नंबर दो सबसे पहले। उषाकाल के बाद क्या होगा दोस्तों, दोपहर होगा, यानी नंबर तीन होगा। दोपहर के क्या होगा दोस्तों, संध्या प्रकाश, यानी संध्या प्रकाश का मतलब शाम का टाइम, नंबर एक। और उसके बाद क्या होगी दोस्तों, रात्रि होगी। तो दो तीन एक चार, दो तीन एक चार, ऑप्शन नंबर बी में आपको ये दिया गया है, ठीक है। सवाल आपको अगर देखो, किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको डायरेक्टली इस प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से क्लास को पूरा देखते रहिए दोस्तों। और अगर आप हमारा हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है कि पौधा, फल, बीज और फूल। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, बीज लेके आएंगे, बीज से फिर हम पौधा बनाएंगे, पौधे से फिर फूल बनेगा, और फूल से फिर फल बनेगा। कैसे भाई, मान लीजिए हमने आम का पेड़, भाई हमें अपने घर में आम उगाने हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे घर में आम उगे, मैं घर का ही आम खाना चाहता हूं मार्केट, क्योंकि गर्मी आने वाली है और गर्मियों में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, आम मिलता है। मेरी इच्छा है कि मैं आम घर पे ही खाना चाहता हूं, घर पे ही पेड़ लगाना चाहता हूं।
तो सबसे पहले क्या लेके आऊंगा, आम का बीज लेके आऊंगा, यानी नंबर तीन सबसे पहले आएगा भाई। बीज है वो बड़ा बनके क्या होगा दोस्तों, पौधा बनेगा, आम का पौधा बनेगा, पौधा बनेगा, उस पर फूल आएंगे, पत्तियां आएंगी, उसके बाद ही तो फल बनेगा, यानी फूल आएंगे नंबर चार, और उसके बाद क्या बनेगा दोस्तों, फल बनेगा। तो तीन एक चार दो, तीन एक चार दो ऑप्शन नंबर सी में यहां पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, महासागर, तालाब, नदी और समुंदर, तो यहां पे बढ़ते क्रम में दिखाना है। एक बात तो क्लियर है कि महासागर सबसे बड़ा होगा, लॉजिकल ही सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर छह की बात करूं तो सबसे बाद में क्या आएगा, महासागर, महासागर से पहले क्या आएगा दोस्तों, समुद्र आएगा, यस और नो। तो चार और तीन, यानी चार सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, चार आएगा, और चार के बाद एक आएगा, मुझे आखिरी के दो पता लग गए भाई, सबसे आखिरी में एक आएगा और उससे पहले चार आएगा, किसमें दिया गया है, केवल ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी का क्रम देखेंगे तो दो तीन चार, ये इसका क्रम हो जाएगा। कैसे, सबसे छोटा क्या होगा, यानी जो आपको यहां पे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें सबसे कम पानी किसमें मिलता है, तालाब में, तालाब से ज्यादा पानी किसमें मिलता है, नदी में, नदी किसमें जाकर मिलती है, समुद्र में, और बहुत सारे समुद्र मिलकर क्या मिलते हैं दोस्तों, क्या बनाते हैं, महासागर, यानी सागरों का भी सागर महासागर कहलाता है। ठीक है, तो क्रम समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सात आपको दिया गया है, एसएससी सीपीओ 2010 में आया हुआ सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आपको सार्थक क्रम दर्शाना है, तो सबसे पहले क्या क्रम बनेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सात का, ध्यान से देखिए भाई, आप मुझे बताइए इनमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी है जी गाय, और गाय आएगी आपकी नंबर चार पे, क्लियर है। अच्छा जी, सबसे छोटा क्या होगा, अमीबा, अमीबा का मतलब नंबर एक पर क्या आएगा दोस्तों, अमीबा, नंबर एक और चार, केवल ऑप्शन नंबर ए और बी में दिए गए हैं, कंफ्यूज हम होंगे कि दो नंबर पहले आएगा या तीन नंबर पहले आएगा, तो अमीबा से जस्ट बताओ बड़ा होता है कर्मी। ठीक है दोस्तों, तो एक के बाद आएगा कर्मी, यानी नंबर तीन, और फिर आपका आएगा दो, और फिर ये आपका कर्म हो जाएगा, एक तीन दो चार, एक तीन दो चार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब ये आप घर बनाते हैं, घर पे कोई मतलब मकान मुकुन बनाते हैं, तो क्या हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं वो देखिए दोस्तों। कह रहा कि नींव रखना, प्लस्तर करना, प्लस्तर का मतलब भाई दीवार है तो उसके ऊपर प्लस्तर करते हैं ना सीमेंट का, वो प्लस्तर करना होगा, निर्माण करना और पेंट करना। तो एक बात तो क्लियर है, पेंट तो हम सबसे लास्ट में करते हैं और नींव हम सबसे पहले डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर आठ की मैं बात करूं तो सबसे पहले नींव डालेंगे भाई, नंबर एक सबसे पहले आएगा और पेंट करना नंबर चार सबसे बाद में आएगा, ये क्रम हो गया। अब पहले निर्माण करेंगे या पहले प्लस्तर ही कर देंगे, पहले कोई दीवार बनेगी तभी तो प्लस्तर किया जाएगा सीमेंट का, या पहले प्लस्तर करके बाद में निर्माण करोगे, नहीं ना, तो पहले क्या होगा निर्माण किया जाएगा भाई। कोई मकान बनाते हैं तो पहले नींव डालते हैं, नींव डालने के बाद उसमें निर्माण दीवार बनाई जाती है, बनाना मतलब निर्माण करना, फिर उस पर लिपाई की जाती है, प्लस्तर जिसको कहा जाता है, और उसके बाद हम उस पर क्या करते हैं, कड़ी पेंट करते हैं। तो नंबर तीन इसके बाद आएगा और नंबर तीन के बाद आएगा जी नंबर दो, ये इसका क्रम हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात, आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, अब यहां पे क्या है, अभी तक जो हमने सवाल देखे हैं उसमें चार ऑब्जेक्ट आपको दिए गए, बस फर्क इतना आएगा, अब टाइप कुछ भी नहीं है, अब इसमें पांच ऑब्जेक्ट आएंगे, बस यही बात है, बाकी तो समान चीजें हैं। तो देखिए जरा इसमें भी कुछ भी अलग नहीं होगा। कह रहा कि देश, जिला, राज्य, ग्राम, महाद्वीप, दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए पांच शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो हम सभी जानते हैं
देखो दो प्रकार से आप कर सकते हो। आपको ये पता है कि सबसे बड़ा क्या होता है? महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, मात्र चंद सेकंड में सवाल की धज्जियां उड़ा सकते हो। आपको पता है कि महाद्वीप सबसे लास्ट में आएगा, महाद्वीप सबसे बड़ा है तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? महाद्वीप। यानी नंबर जो 5 यहां पे है वो सबसे लास्ट में आएगा। और आप यहां पे देखें तो केवल ऑप्शन नंबर सी में ऐसा है कि भी 5 नंबर जो शब्द है वो सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर है? यही आपका आंसर, क्योंकि आप सभी जानते हैं सबसे पहले क्या आएगा? ग्राम आएगा। ठीक है, नंबर 4 है वो सबसे पहले आएगा। गांव से क्या बनेगा दोस्तों? जिला बनेगा। और जिले के बाद क्या बनेगा दोस्तों? राज्य बनेगा। ठीक है, और राज्य से मिलकर क्या बनेगा दोस्तों? देश बनेगा। और देश के बाद क्या बनेगा दोस्तों? महाद्वीप बनेगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आप आंखों को खुली रखिए तो सवाल को सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा। हमें पता लगा कि महाद्वीप सबसे लास्ट में आएगा, केवल ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया गया है, तो वही आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए भाई, क्या कह रहा है? तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून और क्षति। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून और क्षति। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? मानसून आएगी। सबसे पहले पहला क्रम क्या होगा? मानसून आएगी, है ना। नंबर 4 है वो सबसे पहले आएगा, मतलब सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद क्या होगी? क्षति होगी। यानी नंबर 5 सबसे बाद में आएगा। यह बात क्लियर हुई? 4 सबसे पहले, 5 सबसे बाद में। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में ऐसा दिया गया है। लेकिन आप यह समझिए, क्षति कब होती है? तूफान से पहले या बाढ़ से पहले? बस आप यह समझ लीजिए, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। अब नंबर ऑप्शन ए में देखें, ऑप्शन नंबर ए में देखें तो 5 से जस्ट पहले 4 दे रखा है। ध्यान से देखना सवाल, लॉजिकल बिल्कुल आसान टॉपिक है, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है रीजनिंग में दोस्तों। सबसे लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा ना। और सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे लास्ट में 5 आएगा और सबसे पहले 4 आएगा। ऐसा किसमें दिया गया? केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बाकी मुझे सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, कैसे क्रम बनेगा? सबसे पहले मानसून आएगी, मानसून से क्या होगा दोस्तों? आपकी तूफान आएगा। ठीक है, अब गर्मियों का मौसम आने वाला है, गर्मियों में हमारे उत्तर भारत में बहुत सारे तूफान आते हैं, डेली आंधी तूफान आता है। मानसून आएगा तो मानसून पहले आएगा, उसमें क्या आएगा? तूफान। तूफान चढ़ के आएगा, तूफान से वर्षा होगी, और वर्षा से क्या होगी? बाढ़ आएगी, बाढ़ से क्या होगी? क्षति होगी। ये इसका क्रम बन जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो पहले शब्दों को देखें तो निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज और स्वास्थ्य लाभ। तो एक बात बताइए, सबसे पहले कोई बीमार आदमी जाएगा? यानी नंबर 1 पर क्या आएगा? बीमार होगा तभी तो स्वास्थ्य का लाभ लेगा, तभी वो डॉक्टर से मिलेगा, तभी उसका इलाज होगा, तभी उसको बीमारी से क्या मिलेगा? निदान मिलेगा। तो एक बात क्लियर हुई कि सबसे पहले क्या होगा? बीमार मुझे मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 3 सबसे पहले आएगा बीमार। ठीक है, और बीमार के बाद क्या होगा दोस्तों? बीमार होगा तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों? उसका निदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, निदान है ना, नंबर 1 निदान। निदान के बाद क्या होगा दोस्तों? इलाज करवाया जाएगा, और इलाज के बाद क्या होगा दोस्तों? स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। कोई बीमार आदमी है, डॉक्टर के पास गए, यार मेरे को यह बीमारी है, डॉक्टर उसका क्या कर देगा? निदान कर देगा, उसको नुस्खे बता देगा, भाई ये गोली ले लेना, ये गोली ले लेना। जैसे वो लेगा तो उसका क्या हो जाएगा? बीमारी खत्म हो जाएगी, नहीं उसका इलाज हो गया, और जब उसने इलाज करवाया है तो स्वास्थ्य का वो लाभ ले पा रहा है। बस सही क्रम है। तो आप इस सवाल को डायरेक्ट कर सकते थे, आपको पता कि बीमार सबसे पहले आएगा, केवल ऑप्शन नंबर बी में बीमार को सबसे पहले दिखाया गया है, तो यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। जरा ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या यहां पे क्रम बन सकता है। प्रोबेशन, आपको पता होगा कि बहुत सारी पुलिस
या बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपको साल दो साल के लिए पहले प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाता है, परमानेंट नहीं किया जाता। प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा, टेम्परेरी, ठीक है दोस्तों। साक्ष सत्कार का मतलब इंटरव्यू, चयन का मतलब सिलेक्शन, नियुक्ति का मतलब आप ड्यूटी पर चढ़ते हैं, और विज्ञापन का मतलब नोटिफिकेशन। तो क्या क्रम बनेगा? तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? विज्ञापन नंबर पांच है, वो सबसे पहले आएगा। एक बात तो क्लियर हुई, किसी चीज का हम क्या करेंगे, भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन के बाद क्या होगा दोस्तों? आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी पांच के बाद क्या होगा? दो। अब आप एक देख ली, पांच के बाद दो, पांच के जस्ट बाद दो आना चाहिए। किस में दिया गया है? केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो यही आपका आंसर होगा। अच्छा जी, साक्षात्कार के बाद क्या होगा? आपका सिलेक्शन होगा। भाई आप जैसे सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले सीआईएसएफ ने भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला, फिर आपका क्या होगा? इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू मतलब आपने रिटन टेस्ट पास किया, फिजिकल पास किया, मेडिकल, यानी बीच का प्रोसेस, तो इंटरव्यू। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, यानी आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद क्या होगा दोस्तों? आपकी नियुक्ति करवाई जाएगी, ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे दोस्तों, यानी नंबर चार, नंबर पांच, नंबर पांच चार में है ना नियुक्ति। हाँ जी, पहले नियुक्ति होगी, उसके बाद आपको क्या करेंगे? परिवीक्षा ट्रेनिंग पर आपको रखा जाएगा, ठीक है? प्रोबेशन पीरियड पर आपको रखा जाता है। क्लियर है? तो ये इसका क्रम बनेगा ऑप्शन नंबर एक के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब देखो, कई बच्चों को लग रहा हो, चलो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। नंबर बी ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले करें कि जी विज्ञापन आएगा, उसके बाद चयन हो जाएगा। क्या विज्ञापन के बाद सीधा आपका चयन हो जाता है? नहीं ना। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, कह रहे जी पहले विज्ञापन आएगा, उसके बाद सीधी नियुक्ति हम कर देंगे, कैसा होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, पहले नियुक्ति करवा रहा है। लॉजिकल ऑप्शंस को देखिए, तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक और द्विमासिक, क्या यहां पे क्रम बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 का? तो देखिए दोस्तों, जैसे कोई भी इवेंट होता है या कोई पत्रिका निकल के आती है, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह आती है, तो वो इसी क्रम में आती है। सबसे पहले क्या होगा? दैनिक। तो दैनिक का मतलब नंबर दो सबसे पहले आएगा। अब आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, नंबर दो सबसे पहले किस ऑप्शन में दर्शाया गया है? केवल ऑप्शन नंबर बी में। तो बाकी तो मुझे सवाल सोल्व करने तक की भी आवश्यकता नहीं है, यहीं से टिक करके अगले सवाल पर आगे बढ़ जाऊंगा दोस्तों, सवाल भी सोल्व नहीं करना, ठीक है दोस्तों? दैनिक के बाद क्या होगा? साप्ताहिक। सात दिन का सप्ताह होता है तो साप्ताहिक, ठीक है? और साप्ताहिक दो सप्ताह से मिलकर क्या बनता है? आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, क्योंकि चंद्रमा ही अपनी कला करता है। चंद्रमा जब अपनी कला करता है तो 14 दिन अंधेरा रहता है संसार में, और 14 दिन क्या रहती है? चांदनी रात होती है। तो वो क्या होता है दोस्तों? पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष मतलब चांदनी रात, कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरी रात। तो पक्ष का मतलब क्या होता है? दो सप्ताह से मिलकर पक्ष बनता है, यानी पाक्षिक नंबर चार। पक्ष से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? मासिक बनता है नंबर तीन। और मासिक के बाद क्या बनता है दोस्तों? द्विमासिक बन जाएगा, नहीं नंबर पांच। ये इसका क्रम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए, उम्मीद करूंगा कि यहां तक आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, ठीक है? और पढ़ाने में मजा भी मेरे को आ रहा है, आप भी इस चीज को एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसे में उम्मीद कर रहा हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अब यहां पे भी आपको क्रम ही दर्शाना है, ठीक है? यहां पे शरीर के अंग दे रखे हैं, बताइए क्या क्रम बनेगा सही? बिल्कुल प्यार से आपको समझा रहा हूं, ठीक है? हड़बड़ाहट नहीं करनी है, क्योंकि लॉजिकल चीजें हैं, तो लॉजिकल ही दिमाग लगा के आपको सोल्व कर देना। कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली और अंगुली, ये मेरा हाथ है, इसका क्रम आपको दर्शाया गया है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? यहां से थोड़ी स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? कंधा, यानी नंबर एक सबसे पहले आएगा। कैसा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या दर्शाना है? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। भाई पिछले सवाल में हमने क्या देखा? दैनिक, दैनिक सबसे छोटी इकाई है।
दैनिक के बाद क्या आएगा उससे बड़ा क्या है साप्ताहिक, साप्ताहिक से क्या है पाक्षिक, पाक्षिक क्या है मासिक, मासिक से क्या है द्विमासिक, फिर द्विमासिक से क्या है त्रिमाही, चौमाही, छमाही, ईयरली है ना, हाफ ईयरली, टू ईयरली, इस प्रकार से शताब्दी। तो बढ़ते क्रम में छोटे से बड़ा, तो आप मुझे बताइए सबसे छोटी चीज क्या होगी, उंगली होगी या कलाई होगी। तो हाथ को देखेंगे तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे जी, उंगली से करेंगे, यानी नंबर पांच सबसे पहले आएगा। और नंबर पांच सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी में दर्शाया गया है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगी 14 का बी। क्यों? क्योंकि उंगली के बाद क्या आएगी दोस्तों, उंगली के बाद आएगी आपकी हथेली, हथेली के बाद क्या आएगी कलाई, कलाई के बाद क्या आएगी दोस्तों आपकी कोहनी, कोहनी के बाद कंधा आएगा। तो क्रम आपके अपने हाथ में लगा के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, यह रहा जी अगला सवाल, कह रहे कि परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश। तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा दोस्तों, सदस्य मिलकर क्या बनाएंगे, परिवार बनाएंगे, ठीक है, या पहले परिवार आएगा और उसके सदस्य आएंगे, बस यही कंफ्यूज आप दूर कर लेना। जिन बच्चों को लग रहा है कि पहले परिवार आएगा यानी नंबर एक सबसे पहले आएगा, चारों ऑप्शनों पर नजर दौड़ाइए, क्या परिवार सबसे पहले किसी भी ऑप्शन में दर्शाया गया है? नहीं, क्योंकि सदस्यों से मिलकर परिवार बनेगा। तो पहले क्या आएगा, सदस्य आएगा, नंबर तीन सबसे पहले आएगा, सदस्यों से मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, परिवार, परिवार मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, समुदाय बनाते हैं, नंबर तीन, नंबर दो समुदाय, नंबर दो समुदायों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, इलाका, गांव भी कह सकते हैं, इलाका, और इलाके से क्या बनता है दोस्तों, देश बनता है, नंबर पांच सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका क्रम हो जाएगा, कहने का मतलब है 3-1-2 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, कितने सवाल हैं इसमें, हाँ जी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमारा मकसद है पूरा का पूरा कंप्लीट करवाना, ठीक है दोस्तों। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर, हाँ जी, धातु प्रक्रिया, कच्ची धातु, शुद्ध करना और मिश्र धातु। तो सबसे पहले यहां पे धातु बनाने का जो क्रम है, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, कच्चा माल आएगा। कच्चे माल का मतलब यह है दोस्तों कि 16 में सबसे पहले क्रम आएगा नंबर तीन का, सबसे पहले हमारे पास कच्ची धातु होनी चाहिए। अब आप देखिए एग्जामिनर किस प्रकार से पेपर सेट करता है, खुले दिमाग से अगर आप पेपर को सोल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। आपने पता लगा लिया कि सबसे पहले क्या आएगी, कच्ची धातु। अरे कोई कच्चा माल होगा तभी तो कोई पक्का माल बनेगा, उसको शुद्ध करेंगे, धातु बनाएंगे, फिर मिश्र धातु बनाएंगे, ठीक है। मिश्र धातु जैसे जस्ता है तो मिश्र धातु है, बात अरे समझ, बहुत सारे आभूषण बनते हैं तो मिश्र धातु, सिल्वर, टिन, तांबे, इस प्रकार से मिश्र धातु कब बनेगी, जब धातुएं होंगी। धातुओं कैसे निकलेंगी, जब प्रक्रिया करवाई जाएगी, लेकिन सबसे पहला प्रोडक्ट क्या होगा, कच्ची धातु, यानी नंबर तीन सबसे पहले आएगा। केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जी कि तीन सबसे पहले आएगा, और यही मेरा आंसर, सोल्व भी नहीं करना, ठीक है। क्रम क्या हो जाएगा, कच्ची धातु के बाद क्या करेंगे, उसका प्रक्रिया करवाएंगे, उसकी प्रक्रिया के बाद क्या होगा, उसका शुद्ध करवाया जाएगा, शोधन करवाया जाएगा, शोधन करने के बाद अलग अलग धातु निकलेंगी, और उन अलग अलग धातुओं को मिलाकर क्या बनेगा दोस्तों, मिश्र धातु बनाई जाएगी। क्लियर है? तो 16 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, यह रहा जी अगला सवाल, कह रहा कि वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज और बिंदु, क्या क्रम बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, तो सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, बिंदु है ना, सबसे छोटी इकाई क्या है, बिंदु, यानी नंबर पांच सबसे पहले आएगा बिंदु, और बिंदु से क्या बनेगी दोस्तों, रेखा बनेगी, ठीक है। ये बिंदु है जी, बिंदु को बढ़ाए तो रेखा बनेगी, ठीक है। रेखा से क्या बनेगा दोस्तों, आपका कोण बनेगा, कोण से क्या बनेगा दोस्तों, त्रिभुज बनेगी, ठीक है। त्रिभुज से क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, या पंचभुज, जो भी बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों आपका, यानी छोटी से बड़ी इकाई बतानी, इसमें कुछ अलग है ही नहीं। तो सबसे पहले बिंदु, बिंदु के बाद रेखा, रेखा के बाद आपका बनेगा कोण, कोण के बाद बनेगी त्रिभुज, और त्रिभुज के बाद क्या बनेगा दोस्तों, वर्ग बनेगा, क्योंकि वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। तो क्रम आपको इस प्रकार से इसका दर्शाना है। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, कह रहे कि बच्चा डॉक्टर बीमारी दवाई अस्पताल, क्या क्रम होगा बताइए जरा। चलिए यहीं पे कर लेते हैं ये भी। हाँ जी बताइए क्या होगा राइट क्रम, और अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कह रहा है कि बच्चा डॉक्टर बीमारी दवाई अस्पताल, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, बच्चा होगा ना, कोई बच्चा होगा नहीं, नंबर एक सबसे पहले आएगा। बच्चे को क्या होगी दोस्तों, बीमारी लगेगी, तो एक के बाद क्रम क्या आएगा, तीन। अब आप ऑप्शन पे नजर डालिए, एक के बाद तीन, सबसे पहले एक तो दर्शाया गया है ऑप्शन नंबर ए और डी में, बच्चा सबसे पहले केवल दो ऑप्शनों में दर्शाया गया है, और बच्चा बीमार होगा तभी तो आप अस्पताल लेके जाएंगे, अस्पताल में डॉक्टर मिलेगा, डॉक्टर क्या देगा, दवाई देगा। सबसे पहले बच्चा आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगी, दवाई आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इस सवाल का राइट आंसर। आगे मुझे सोल्व ही नहीं करना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे हिंट चाहिए। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछा कि आपने भाई कर्म कैसे बनाया भाई, एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया उसको सही टिक करके आपको सिलेक्शन पक्का करना है बस, ठीक है। चलिए अगला देखिए भाई, अब ये जो सवाल है बहुत ही जबरदस्त सवाल है दोस्तों, साइंस का सवाल है। इस प्रकार का सवाल जब एग्जाम में आता है तो वही रीजनिंग आपकी हार्ड हो जाती है जो बिल्कुल आसान लगती है। आमाशय, वर्धात्र, लघ्वांत्र, ग्रास नली, मलाशय, तो आप इसको इस प्रकार से समझिए कि सबसे पहले हम क्या लेंगे दोस्तों, भोजन लेंगे, तो ग्रास नली है ना, ये होती है ग्रास नली। क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले क्या आएगा, ग्रास नली, भोजन हम लेंगे ग्रास नली के माध्यम से, कहां जाएगा, आमाशय में जाएगा। तो सबसे पहले आपका आएगा नंबर चार, चार के बाद क्रम बनेगा जी एक, ठीक है। अब आप देखिए, मुझे नहीं पता, साइंस का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सबसे पहले ग्रासनली, ग्रासनली से भोजन कहां जाएगा, आमाशय में जाएगा, पेट में जाएगा। तो चार के बाद एक आएगा। अब ऑप्शन नजर दौड़ाइए, केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि चार के बाद एक आएगा, और यही मेरा आंसर। बाकी मैं सोल्व भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे हिंट मिल गया। बाकी छोटी आंत पहले आएगी, बड़ी आंत पहले आएगी, वो मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता, क्योंकि मुझे सही आंसर देना है बस, ठीक है दोस्तों। तो सही क्रम बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। मलाशय से जस्ट पहले बड़ी आंत होती है, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। सबसे लास्ट में बड़ी आंत मिलती है, जो बचे कुछ अवशेषों को अवशोषित करके जो फालतू का डंगा होता है उसको मलाशय के पास भेज के आप उसको निदान कर देते हैं बीमारी का, ठीक है भाई। चलिए तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, मैथ और रीजनिंग अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो आप हमारे इस सफलता बैच में आ सकते हैं, ठीक है भाई, जहां पे मैथ और रीजनिंग आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। CISF को टारगेट रख के हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस बैच में आ सकते हैं, ठीक है भाई। बैच को ज्वाइन करने के लिए ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और जहां पे कमेंट सेक्शन है नीचे वहां पे भी पिन किया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि समय दोबारा वापस नहीं आता है। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर, अगला सवाल ये रहा दी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 है, RRB ASM 2008 में सवाल पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा और स्विच ऑन। हाँ जी, तो सिंपल सा है कि चाबी, चाबी से क्या करेंगे दोस्तों, ताला खोल देंगे, यानी एक के बाद तीन आना चाहिए, तीन के बाद दरवाजा है ना, यही लग रहा होगा आपको। नहीं जी सबसे पहले, अरे ताला कोई आपको रास्ते में पड़ा थोड़ी मिलेगा, यही तो चीजें आपको समझनी, एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलता है, और विशेषकर रेलवे वाले तो बहुत ज्यादा एडवांस में आपसे सवाल पूछते हैं दोस्तों। कई बच्चों को लगेगा पहले चाबी से ताला खोल दूंगा फिर दरवाजा तोड़ दूंगा, अरे पहले कोई दरवाजा मिलेगा, ठीक है, कमरे में घुसने, कमरा
कमरे में मुझे घुसना है, किसी कमरे में मुझे एंट्री लेनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दरवाजे से सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, दरवाजा आएगा। नीचे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 20 को। सबसे पहले दरवाजे का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 आपका पहले आएगा, दरवाजा। दरवाजे के बाद क्या मिलेगा दोस्तों, दरवाजे पर मुझे ताला मिलेगा। ठीक है दोस्तों, दरवाजे पर मुझे क्या मिलेगा, ताला, यानी 2 के बाद 3। ताले को मैं चाबी से खोल दूंगा। ठीक है, ताले को मैं चाबी से खोलकर कमरे में एंट्री लूंगा और एंट्री करने के बाद स्विच ऑन, लाइट का स्विच ऑन कर दूंगा। ये इसका क्रम बनेगा 2 3 1 4 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो दिमाग से खेलना है, मतलब ऐसे नहीं कि दिमाग बंद पड़ा ऐसे, चाबी ताला छोटा बड़ा नहीं बताना, आपको सही क्रम बताना है। किसी कमरे में जाके आपको लाइट ऑन करनी है, स्विच ऑन करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, दरवाजे से सामना करना पड़ेगा, वहां पे ताला लटका है, उसको चाबी से खोलना पड़ेगा, फिर कमरे में एंट्री लेंगे और उसके बाद स्विच ऑन करेंगे। क्लियर है? चलिए अगला सवाल भी बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि जी रोक, रोक का मतलब होता है चट्टान, हिल का मतलब पहाड़ी, माउंटेन का मतलब पर्वत, रेंज का मतलब श्रृंखला और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो आप एक समझ लीजिए कि माउंटेन से मिलकर क्या बनती है, हिमालय श्रृंखला। तो बहुत सारे छोटे बड़े पहाड़ मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, श्रृंखला बनाते हैं। तो रेंज सबसे लास्ट में आएगी, बात आ रही समझ में, रेंज है उसका क्रम सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, यानी नंबर 4 जो शब्द यहां पे लिखा है रेंज, वो सबसे लास्ट में आएगा। रेंज सबसे लास्ट में आएगी और आप ऑप्शंस पे नजर दौड़ाएंगे तो केवल ऑप्शन नंबर बी में रेंज सबसे लास्ट में लिखी हुई है। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि रेंज से पहले क्या आएगा दोस्तों, माउंटेन आएगा। अरे पर्वतों से मिलकर ही तो रेंज मिलेगी, बहुत सारे बड़े बड़े पर्वत मिलकर रेंज बनाएंगे, श्रृंखला बनाएंगे, है ना। तो रेंज से पहले क्या आएगा, माउंटेन आएगा, केवल ऑप्शन बी में दिया गया है बस, बाकी मुझे सोल्व भी नहीं करना क्योंकि मुझे अप्रोच से सवाल को सोल्व करना है, सवाल पूरा सोल्व नहीं करना, मुझे कम से कम टाइम में सही उत्तर पे टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सवाल। कह रहा है कि सूची, अनुकर्मणिका, शीर्षक, अध्याय, भूमिका, क्या यहां पे सही क्रम बनेगा दोस्तों, जरा बताइए। हां जी, सूची, शीर्षक, भूमिका, अनुकर्मणिका, अध्याय। तो आप एक बात बताइए, कोई किताब है तो उसमें क्या मिलता है सबसे पहले आपको, भाई शीर्षक तो बाद में मिलता है, सूची, विषय सूची बाद में मिलती है, सबसे पहले मिलता है अनुकर्मणिका, जो मेन प्रश्न है किताब का। पहले आपने पहला पेज खोलते जो भी आपको पब्लिकेशन वगैरह दिखता है वो कहता है अनुकर्मणिका, यानी नंबर 2 सबसे पहले आएगा। ठीक है, 22 नंबर सवाल में नंबर 2 सबसे पहले आएगा और ऑप्शन पे नजर दौड़ाएं तो नंबर 2 सबसे पहले दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में और यही मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए सही क्रम क्या बनेगा दोस्तों, अनुकर्मणिका, उसके बाद भूमिका, संपादक की कलम से भूमिका, उसके बाद अध्याय पे जाएंगे, अध्याय के बाद आपको मिलेगा शीर्षक और शीर्षक के बाद आपको विषय सूची मिलती है, सूची मिलती है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि घर, गली, कमरा, शहर, जिला। तो आप सभी जानते हैं जिला सबसे बाद में आएगा, क्वेश्चन नंबर 23। लॉजिक से सोल्व कीजिए, दिमाग नहीं लगाना, लॉजिक लगा लीजिए। जिला सबसे बाद में आएगा जी, 5 सबसे बाद में आएगा और 5 से पहले क्या बनेगा दोस्तों, शहर आएगा, यानी 4 नंबर इसके पहले आएगा, 4 5, आखिरी में 4 और 5 क्रम से मिलने चाहिए। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए और सी में 4 और 5 क्रम से दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या क्रम बनेगा, घर आएगा, गली आएगी या कमरा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, कमरा आएगा, कमरे से क्या बनेगा दोस्तों, घर बनेगा, कमरों से मिलकर घर बनता है ना, घर और गलियां क्या मिलती हैं, कई घरों के बीच में गलियां मिलती हैं, लेकिन छोटे से बड़ा यहां पे आपको बताना है। हाँ जी, तो बिल्कुल सही क्रम यही बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, कमरा, कमरे से क्या बनेगा, घर बनेगा, यानी नंबर 1, कमरों से क्या बनेगा, गलियारा, गली का मतलब गलियारा, मोहल्ला,
जिसको कहा जाता है। तो नंबर दो, मोहल्लों से क्या बनता है दोस्तों? शहर। शहर में होते हैं बहुत सारे सेक्टर, मोहल्ले होते हैं। तो गली का मतलब यहाँ पे छोटी मोटी गली नहीं है गांव की, गली का मतलब है गलियारा, मोहल्ला, है ना? समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले कमरा, घर, गलियारा यानी गल्ला जिसको कहते हैं मोहल्ला, शहर और जिला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आगे बढ़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर 24 नंबर सवाल ये रहा दोस्तों, बताइए क्या रहेगा सही क्रम। प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? सिफारिश तो बाद में करेंगे ना भाई, कोई आदमी है जिसको मुझे नौकरी लगवाना है भाई, तो सबसे पहले कोई आएगा तो पहले किसी का आगमन होगा। आगमन का मतलब क्या होगा? नंबर तीन सबसे पहले आएगा जी, आगमन, कोई आया हमारे घर पर। आगमन के बाद क्या करेंगे दोस्तों? हम परिचय करवाएंगे। हमारे घर पे आता है कोई भी, मान लीजिए हमारे मेहमान आता है, तो हम क्या करते हैं? पहले आगमन होता है, उसके बाद क्या करते हैं? परिचय। हाँ भाई, कौन, कहां से हो, क्या काम था, परिचय यानी नंबर पांच। उसके बाद पहले तो हम परिचय करते हैं भाई, हाँ कौन हो, कहां से हो, फिर हम पूछते हैं जी पर्पज क्या, किस लिए आयो बताइए। तो किस लिए आयो का मतलब है प्रस्तुति, ठीक है दोस्तों। प्रस्तुति नंबर एक, उसने बताया कि जी ये काम था। उसके बाद हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, है ना भाई। मान ले मुझे सीआईएसएफ में लगना था, मैंने कोई सिफारिश ढूंढी है, चलती है सरेआम चलती है, तो सबसे पहले मैं किसी के घर जाऊंगा, उसके आगमन होगा मेरा। आगमन के बाद मैं परिचय दूंगा, जी मैं प्रदीप यादव यहां से आया हूं। प्रस्तुति, जी मुझे सीआईएसएफ में नौकरी लेनी है। फिर वो चर्चा करेगा, भाई इतने पैसे लगेंगे, ये वो फलाना दिखड़ा, तो चर्चा होगी यानी नंबर चार आएगा। और चर्चा के बाद फाइनली वो क्या करेगा? सिफारिश, ठीक है भाई तेरा काम हो जाएगा। तो नंबर दो यहां पे, तो ये यहां पे क्रम बन जाएगा 3-5-1-4-2, 3-5-1-4-2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, बताइए जरा क्या होगा राइट आंसर, और वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई जरूर करें दोस्तों। कह रहे कि पुलिस दंड अपराध, न्यायमूर्ति फैसला। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? अपराध होगा। सबसे पहले क्या होगा? अपराध होगा, यानी नंबर तीन सबसे पहले आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में सबसे पहले क्या क्रम रहेगा दोस्तों? नंबर तीन, कोई अपराध करेगा, अपराध के बाद क्या होगा दोस्तों? उसको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। तीन के बाद एक आएगा। अब आप ऑप्शन का नजर लीजिए भाई, तीन के बाद एक ऑप्शन सी है और ऑप्शन नंबर डी है। अपराध के बाद उसको क्या करेंगे दोस्तों? न्यायमूर्ति के पास लेके जाएंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे, यानी चार, ठीक है। न्यायमूर्ति क्या करेगा दोस्तों? अपना फैसला सुनाएगा, और फैसले में क्या मिलेगा दोस्तों? उसको दंड मिलेगा। ये इसका क्रम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिए। भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़ और युवा। तो अगर आप यहां पे लॉजिक से सवाल को देखें तो सबसे लास्ट में क्या आएगा दोस्तों? प्रौढ़ आएगा, युवा से प्रौढ़, एडल्ट जिसको कहा जाता है, प्रौढ़ अवस्था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 में सबसे लास्ट में आएगा जी प्रौढ़ नंबर चार, और नंबर चार से पहले क्या आएगा जी? युवा यानी नंबर पांच। आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, पांच और चार का क्रम किसमें है? पांच और चार का क्रम ऑप्शन नंबर डी में है। सही क्रम की बात करें तो जी सबसे पहले भ्रूण आएगा, भ्रूण से क्या बनेगा जी? शिशु बनेगा, शिशु से बड़ा होकर बच्चा बनेगा, बच्चे से बड़ा होकर युवा बनेगा, और युवा से क्या बन जाएगा? प्रौढ़ बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस सवाल का लॉजिक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। कह रहा कि लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज और छापना। तो आप ये देखिए कि किताब कब बनेगी? जब उसको छपाया जाएगा। सबसे बेसिक पॉइंट क्या होगा जी? लकड़ी चाहिए मुझे, लकड़ी को कारखाने में लेके जाएंगे, कारखाने में कागज बनेगा, तब आपकी किताब छपेगी दोस्तों, यस और नो? मुझे किताब छपानी, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर पर आएगा जी लकड़ी, और आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए तो केवल ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जिसमें लकड़ी को सबसे पहले दर्शाया गया है, और यही आपका आंसर।
क्यों? क्योंकि लकड़ी सबसे पहले आएगी। लकड़ी को लेके जाएंगे कहां दोस्तों? कारखाने में। कारखाने में लकड़ी का क्या बनाया जाएगा? कागज बनाया जाएगा। और कागज के बाद क्या होगा दोस्तों? छपाई की जाएगी। और छपाई के बाद बनकर तैयार होती है आपकी आपकी भाई किताब। तो ये इसका क्रम हो जाएगा 1 3 4 5 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि ये रहा जी। बहुत ही शानदार शानदार सवाल है। इस किताब को भी अगर आपने सोल्व कर लिया तो 90% सवाल आप सोल्व कर लेंगे आने वाले एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई जरूर करें दोस्तों। ठीक है, देखिए करे कि गंतव्य, टिकट खरीदना, चढ़ना, यात्रा योजना बनाना। मुझे कहीं जाना है, मुझे भाई गोवा जाना है घूमने के लिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? योजना बनाऊंगा कि भाई मुझे कहां से टिकट लेनी पड़ेगी, कहां जाना पड़ेगा, कहां उतरना पड़ेगा, कहां से मुझे ऑटो मिलेगा, कहां कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। ठीक है, यानी नंबर, योजना का मतलब क्या है दी? नंबर 5 सबसे पहले आएगा। और आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, योजना बनाना सबसे पहले किसमें दर्शाया गया? ऑप्शन नंबर डी में। यही मेरा आंसर, यहीं से टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, सोल्व भी नहीं करना। क्रम देखें, योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद मुझे पता लगे भी दिल्ली से गोवा के लिए, वास्को डी गामा के लिए ट्रेन जाती है, तो मैं क्या करूंगा? टिकट खरीदूंगा। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 योजना के बाद टिकट खरीदूंगा भाई। टिकट खरीदने के बाद क्या करूंगा दोस्तों? ट्रेन में जाकर चढ़ूंगा। नंबर 3 ट्रेन में चढ़ने के बाद क्या करूंगा जी? मैं यात्रा करूंगा। नंबर 4 और यात्रा करते करते मैं कहां पहुंचूंगा? अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचूंगा। तो ये इसका क्रम। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे के दिए 6 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? हाँ जी बताइए फिर। तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती। एक पेड़ को आप देखते हैं तो उसमें क्या क्रम होगा? नीचे से ऊपर तक क्या क्रम होगा? सबसे पहले पेड़ में क्या होता है दोस्तों? जड़ होती है। जड़ का मतलब नंबर 2 सबसे पहले आएगा, जड़ आएगा। अच्छा, यहां पे ऑब्जेक्ट है 6 शब्दों का क्रम बताना है। ठीक है, यही टाइप बदल जाती है, 4 शब्द 5 शब्द 6 शब्द। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? जड़ होगा। जड़ के बाद आपको क्या नजर आएगा दोस्तों? तना नजर आएगा, यानी नंबर 1। तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, 2 के बाद 1 केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यही मेरा आंसर, यहीं से आगे बढ़ सकता हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं केवल इतना करूंगा और टिक करके आगे। पूरा सॉल्यूशन देखना है तो आप देख लीजिए। सबसे पहले आएगा जी जड़, जड़ के बाद क्या आएगा? तना। तने के बाद आपको क्या मिलेगा दोस्तों? शाखा मिलेगी, यानी नंबर 5। शाखाएं जारी होंगी, शाखाओं पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों? बहुत सारी पत्तियां मिलेंगी। ठीक है, पत्तियों पर आपको क्या मिलेंगे दोस्तों? फूल मिलेंगे। ठीक है, यहां पे 6 आएगा, 5 के बाद 6 पत्ती, पत्ती के बाद आपको फूल मिलेंगे यानी नंबर 4, और फूल पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों? फल मिलेगा। ये इसका क्रम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 23 नंबर सवाल पे आगे बढ़ रहे हैं। 23 नंबर सवाल ये रहा जी, बताइए दोस्तों, सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 23 नंबर बताइए क्या होगा सही आंसर? शब्दों का सार्थक क्रम। तो बताइए दोस्तों सही क्रम क्या होगा? जैसे कोई मकान हमें बनवाना है, घर बनाना है, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? उसकी नींव रखी जाएगी। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन मिसिंग है, ऑप्शन नहीं है इस सवाल के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? नींव रखी जाएगी, यानी सबसे पहले 4 नंबर का काम होगा, नींव रखी जाएगी। नींव से क्या होगा दोस्तों? दीवार खड़ी की जाएगी, है ना?
तो नींव के बाद क्या होगा नंबर दो, दीवार। दीवार के बाद क्या बनेगा दोस्तों, दीवारों से मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, कमरा बनेगा। यानी नंबर छह, कमरे की क्या होगी दोस्तों, छत लगवाई जाएगी। छत से क्या बनेगा दोस्तों, खिड़कियां बनवाई जाएंगी, और खिड़कियों के बाद फर्श का काम सबसे लास्ट में होगा। तो ये इसका क्रम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नहीं गलत है भाई, सबसे पहले नींव, नींव से क्या बनेगी दोस्तों, दीवार बनाई जाएगी। दीवार के बाद दीवार में ही खिड़कियां लगाई जाती हैं। आपने देखा होगा ना ये दीवार चुंदी भाई, इसमें क्या होंगी खिड़कियां लगाई जाएंगी बहुत सारी। तो खिड़कियों का काम होगा पहले नंबर एक, ठीक है। खिड़कियों के बाद क्या होगा दोस्तों, फर्श भी गिरवाई जाती है और छत भी। तो पहले छत गिरवाई जाएगी, ठीक है, और छत के बाद फर्श का काम होगा, उसके बाद कमरा बनाया जाएगा। तो ऑप्शन अगर यहां पे दिखते तो सही क्रम में इसको लगा देते, वैसे भी लगा दिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा नींव, नींव के बाद क्या होगी दोस्तों, दीवार, खिड़की, फर्श, और फिर उसके बाद छत, और फिर आपका कमरा। ये इसका क्रम हो जाएगा। कमरा बनकर तैयार करना है तो कमरा तो लास्ट प्रोडक्ट है। अगला सवाल देखिए, देखिए भाई जरा सवाल, बताइए क्या होगा राइट आंसर। बताइए दोस्तों, ये इस प्रकार का सवाल तो हम कर चुके हैं पहले, बस इसमें शब्द बढ़ा दिया, यानी एक प्रक्रिया बढ़ा दी है, वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 हम यहां पे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, किसी भी भर्ती का विज्ञापन आएगा, बस सिंपल चीज है। पांच नंबर सबसे पहले काम होगा विज्ञापन। विज्ञापन के बाद हमें क्या होगा दोस्तों, आवेदन करेंगे। सिलेक्शन की प्रोसेस में स्टार्ट होने से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, फिर आप एप्लीकेशन यानी अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो आवेदन पांच के बाद क्या होगा, छह नंबर का काम होगा। पांच छह ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, पांच और छह तीन ऑप्शनों में दिया हुआ है। अच्छा जी, फिर आपका क्या होगा दोस्तों, इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी नंबर दो काम होगा। और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नजर दौड़ाइए सभी ऑप्शनों पे, पांच छह दो, केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे के प्रोसेस आपको करने नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल सेम वैसा ही सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है। देखिए रेन, मतलब अभी हमने हिंदी में पढ़ा था वर्षा, मानसून, बाढ़, क्षति, तूफान, अब यह हिंदी में दे दिया। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, मानसून आएगी, ठीक है। मानसून आएगी तब बरसात होगी, बरसात के बाद बाढ़ आएगी, बाढ़ के बाद क्या होगा दोस्तों, हाँ जी, बाढ़ के बाद रेस्क्यू किया जाएगा, बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज एनडीआरएफ वगैरह लग जाती हैं, उसके बाद शेल्टर करवाया जाता है, फिर आपको रिलीफ मिलता है, बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो सही क्रम क्या होगा दोस्तों, 32 का सबसे पहले क्या आएगी दोस्तों, मानसून आएगी, नंबर दो सबसे पहले होगा। अगर आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाएंगे तो नंबर दो सबसे पहले, केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही मेरा राइट आंसर, बाकी मुझे सोल्व भी नहीं करना। दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। पूरी की पूरी किताब आपको सोल्यूशन के तौर पर मिलेगी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा कि नीचे दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है। आरोही, ठीक है, यानी छोटे से बड़ा। प्रेषण मतलब सेंड करना, आदान मतलब मुझे मिलना, कूटबद्ध करना, कूट अनुवाद करना, तो ये आपको करना है। तो सबसे पहले प्रयोग ये क्या है, जैसे मान लीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेज में, फोर्सेज में क्या होता है कि कोई भी चीज
कम्युनिकेट की जाती है उसको पहले कोडिंग की जाती है, डायरेक्ट नहीं बताया जाता, कोड रखे जाते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों के कोड रख दिए जाते हैं। तो सही क्रम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बताइए ज़रा। सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है तो मैं क्या करूँगा, उसको कोडिंग करूँगा। दो चीज़ें होंगी ना, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग कौन करता है, मैं करूँगा, मुझे भेजना है किसी के पास, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो शब्द है उसकी कोडिंग करूँगा, ठीक है। तो कूटबद्ध करना, यानी नंबर दो सबसे पहले आएगा, 33 नंबर में सबसे पहले आएगा जी दो, मैंने कर दी कोडिंग, है ना। कूटबद्ध करने का मतलब है कोडिंग, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, कोडिंग, उसके बाद मैं क्या करूंगा जी, सेंड कर दूंगा। सेंड करने के बाद क्या होगा जी, रिसीवर रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसको क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा। मुझे मान लीजिए किसी को आई लव यू बोलना है, तो मैंने कहा जी 1 2 3, ठीक है, मुझे किसी लड़की को आई लव यू बोलना है मान लीजिए, तो मैं उसको डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, आई लव यू आप क्या बोलते हैं, 1 4 3 बोलते हैं, 143 लो जी आई लव यू। तो मैंने आई लव यू को कोड कर दिया, अब मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया जी, सेंड कर दिया, उसने रिसीव कर लिया, रिसीव करके उसने 1 4 3 का मतलब समझ लिया, क्या करे हो आप, आई लव यू। तो ये क्या है दोस्तों, डिकोडिंग है, ये क्या है, कोडिंग है। कूटबद्ध करना और कूट अनुवाद करना, ठीक है। तो सबसे पहले दो आएगा, दो के बाद क्या होगा दोस्तों, सेंड किया जाएगा नंबर एक, फिर रिसीव किया जाएगा, और उसके बाद नंबर चार, ये इसका प्रोसेस हो जाएगा, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है भाई। चले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जरा देखिए 34 नंबर। छोटे से बड़ा बताना है आपको, कुछ भी नहीं है इसमें। 0 640 घंटे, तो सबसे छोटा तो नंबर यही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक सबसे पहले आएगा, अच्छा जी। इसके बाद बड़ा कौन सा है, 1335 घंटे, यानी 3, फिर 2 और फिर 4, ये इसका क्रम हो जाएगा। अरे छोटे से बड़ा है तो बताना है, छोटी संख्या बड़ी संख्या, कौन सा घंटा बड़ा है कौन सा छोटा, ये बताना है, सिंपल आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए भाई, यहाँ पे क्रम बताइए, कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, क्लर्क और राष्ट्रपति। तो एक बात तो समझ लीजिए, सॉरी, सबसे लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, राष्ट्रपति। देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन हम कर रहे हैं 35। तो आप सभी जानते हैं अगर राष्ट्रपति सबसे बड़ा है, राष्ट्रपति नंबर 4 में दिया गया, तो नंबर 4 सबसे लास्ट में आएगा, यस और नो। कोई भी क्रम हो मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि सबसे लास्ट में आएगा राष्ट्रपति, और सबसे लास्ट में राष्ट्रपति दर्शाया गया है केवल ऑप्शन नंबर बी में, यही मेरा आंसर, बस बाकी मुझे सोल्व भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, राष्ट्रपति से छोटा क्या होता है, राज्यपाल, राज्यपाल से छोटा क्या होता है, कलेक्टर, कलेक्टर छोटा क्या होता है, मुख्य सचिव, और उससे छोटा क्या होता है, क्लर्क। अगला देखिए 36 नंबर, छोटे से बड़ा बनाना है, बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा और रॉकेट, सबसे तेज क्या चलती है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे 36 में भाई, सबसे धीरे चलती है बैलगाड़ी, ठीक है, नंबर दो सबसे पहले आएगा। अच्छा जी, बैलगाड़ी से थोड़ी सी चेल चलती है घोड़ा, घोड़े से तेज चलती है जी बस, बस से तेज चलती है जी हवाई जहाज, और हवाई जहाज से तेज चलती है जी रॉकेट, ये इसका क्रम हो जाएगा। स्पीड बतानी है स्लो से फास्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट, नहीं ए आपका, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, ए आपका आंसर हो जाएगा। क्रम देख लीजिए, 2 4 1 3 5, 2 4 1 3 5 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर, क्रम बताना है यहां भी। अब यहां पे क्या है कि देखो वही सवाल है लेकिन रैंक है, रैंक का मतलब छोटे से बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस प्रकार से आपको बताना है। तो ये यहां पे क्या दे रखे हैं दोस्तों, फौज की रैंक दे रखी है। अब आपको ये बताना चाहिए कि भाई कैप्टन बड़ा, कर्नल बड़ा, ब्रिगेडियर बड़ा क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो ब्रिगेडियर तो ब्रिगेड का मालिक होता है, ठीक है। 36 7 नंबर यहां पे हम कर रहे हैं, देखिए भाई, मेजर, कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, क्या क्रम होगा दोस्तों। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो इन सभी में जो सबसे बड़ा है, अच्छा जी अवरोही क्रम में दर्शाना है ना, सवाल यही दिक्कत करेंगे हम,
सवाल मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, यही गलती हम करेंगे एग्जाम में। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि पूछा गया आरोही क्रम या अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में दर्शाना है, तो अवरोही क्रम में देखेंगे तो सबसे बड़ा यहां पे होता है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल बहुत बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों। तो सबसे पहले आएगा जी लेफ्टिनेंट जनरल, 37 में सबसे पहले आएगा 5 नंबर। लेफ्टिनेंट जनरल से छोटा होता है ब्रिगेडियर, नंबर 4। ब्रिगेडियर से छोटा होता है दोस्तों आपका मेजर, नहीं कर्नल। कर्नल का मतलब क्या है, नंबर 3 पे। और कर्नल से छोटा होता है जी मेजर, और मेजर से छोटा होता है कैप्टन। सबसे पहले कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल, ये इसका क्रम बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे छोटी जो अधिकारी रैंक होती है वैसे तो लेफ्टिनेंट होती है। लेफ्टिनेंट आगे बढ़ के, लेफ्टिनेंट जब प्रमोट होता है तो वो बनता है जी कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद कर्नल, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, फील्ड मार्शल, इस प्रकार से मेजर जनरल, है ना, इस प्रकार के बहुत सारे रैंक होते हैं। तो यहां पे क्रम मैंने बता दिया है, तो ये दिया गया 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर 1 में। ये लो जी, ये इस बुक का आखिरी सवाल है। ठीक है दोस्तों, 38 नंबर है और इस बुक का, इस टॉपिक का आखिरी सवाल है सार्थक क्रम का। महासागर नदी का नाला, समुंदर, हिमनदी, ग्लेशियर नदी, सबसे ज्यादा पानी किसमें पाएगा, अवरोही क्रम में दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, समुंदर आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अवरोही क्रम, सबसे ज्यादा पानी मिलता है कि महासागर में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। यानी सबसे पहले क्या आएगा, एक आएगा। अच्छा जी, महासागर से जस्ट छोटा क्या होता है, समुंदर होता है, तो नंबर 3, एक के बाद 3 आएगा। ठीक है, एक के बाद 3 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही मेरा आंसर, बाकी मैं सोल्व भी नहीं करूंगा। ठीक है भाई, क्योंकि मुझे लॉजिक चाहिए, लॉजिक से मैंने सोल्व कर दिया कि सबसे ज्यादा जो पानी होता है महासागर में होता है, महासागर से कम मिलता है जी सागर में, यानी समुद्र में, समुद्र से कम मिलता है जी नदी में। नदी कहां से आती है जी, नाले से। पहले बहुत सारी नालियां नदी का मिलकर नदी बनाती हैं, और नदी का कहां से निकलती हैं जो ग्लेशियर से, तो ये इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, तो ये आज की हमारी ये क्लास थी जिसमें हमने आर्यंत बुक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सार्थक क्रम, जो कि हमने बहुत ही आराम से, प्यार से देखा है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की है, क्योंकि मेरा मकसद केवल आपका टाइम पास नहीं करना है, मेरा मकसद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर मैथ रीजनिंग कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सफलता बैच, जो कि ऐप पर अवेलेबल है, 699 रुपए में जाके अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार की क्लासेस को आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।